सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं WWE बैकस्टेज की। तो अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टेजर, न्यू मैनेजमेंट के अंडर बैकस्टेज में कुछ पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं। जैसे WWE में कुछ वर्ड्स बोलना बैन है, लाइक सुपरस्टार्स को रेसलर्स नहीं बोल सकते और टाइटल्स को चैंपियनशिप नहीं बोल सकते। और अगर आपने नोटिस किया हो तो जब कोडी रोड्स रिटर्न आए थे तब मंडे नाइट रॉ में द मिस टीवी के सेगमेंट पर कोडी रोड्स ने रेसलर वर्ड बोला था, जिसके बाद मिस कोडी को रिमाइंड करते हैं कि सुपरस्टार्स बोलना है। और इस एक वर्ड की वजह से कोडी रोड्स को $1,000 पर वर्ड फाइन भरना पड़ा था WWE को। लेकिन अब डेव मेल्टर का मानना है कि न्यू मैनेजमेंट के अंडर सुपरस्टार्स उन वर्ड्स को यूज कर सकेंगे जो विंस मैकमैन ने बैन करे थे। इसके अलावा ट्रिपल एच ने सुपरस्टार्स को उनके प्रोमो स्किल्स में सुधार करने की सलाह दी है, उन्हें अनस्क्रिप्टेड प्रोमो कट करने की सलाह दी है। तो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रिपल एच और क्या क्या नया करते हैं WWE में, और अगर वो ऐसा लगातार करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें ओल्ड WWE फिर से देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग WWE में क्या कुछ चेंज होता हुआ देखना चाहते हो कॉमेंट करके जरूर बताना। बात करेंगे अगली अपडेट की, तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में चेंपा वर्सेस बॉबी लेस्ली का US टाइटल के लिए मैच होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चेंपा ने इंटरव्यू दिया है और अपने आप को ग्रेटेस्ट एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम बताया है। इसके अलावा चेंपा ने अपने कुछ ड्रीम अपोनेंट्स के नाम बताए हैं जिनके साथ वो स्टोरी लाइन में शामिल होना चाहते हैं, उनके साथ अपनी फ्यूड करना चाहते हैं। और इस लिस्ट में उन्होंने एज स्टाइल, फिन बेलर, केविन ओवंस एंड सेथ रोलिंस का नाम लिया है। इसके अलावा चेंपा ने बताया कि वो रैंडी ओर्टन के रिटर्न के बाद उनके साथ भी एक बड़ा मैच रसल करना चाहते हैं। वैसे नेक्स्ट वीक देखना होगा चेंपा बॉबी लेस्ली को हराकर मेन रोस्टर में अपना फर्स्ट टाइटल जीत पाते हैं या नहीं। बात कर लेंगे अगली अपडेट की, आखिरकार रिक फ्लेयर के लास्ट मैच ने कितना पैसा कमाया है। तो अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्टेजर, स्टारकास्ट इवेंट में लगभग 6,800 के आसपास ऑडियंस आई थी, जिसकी वजह से स्टारकास्ट को ओवरऑल रिवेन्यू $4,48,502 कमाई हुई है। और अगर इसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये निकल कर आते हैं 3,55,00,000 से भी ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। और रिक फ्लेयर ने अपने लास्ट मैच के नाम पर अच्छा खासा पैसा बना लिया है। वैसे आप लोग इस पर अपने थॉट्स कमेंट करके बता सकते हो। बात करते हैं रिडल के WWE रिटर्न से, तो नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रो का जो एपिसोड होगा उसके लिए लोकल एरिया में WWE रिडल वर्सेज सेथ रोलिंस का मैच एडवर्टाइज कर रही है। अब ये नहीं पता कि ये मैच मंडे नाइट रो के मेन शो पर होगा या फिर मंडे नाइट रो के ऑफ एयर होने के बाद एक डार्क मैच होगा, लेकिन WWE लोकल एरिया में रिडल वर्सेज सेथ रोलिंस का मैच एडवर्टाइज कर रही है। तो इसका मतलब साफ है कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रो में रिडल अपना रिटर्न WWE में करने वाले हैं। तो बस ये थी अपडेट की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इसी के साथ कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।